मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी नगर में स्थित कृषि उपज मंडी आसपास के जिलों सहित कई प्रदेशों में सफेद सोने यानी कि लहसुन की मंडी के नाम से विख्यात है। वहीं मंडी प्रांगण में अव्यवस्था को लेकर आए दिनों कई समय तक मंडी बंद रहती है, जिसको लेकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से उपज बेचने आए किसानों को बड़ी संख्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन मंडी प्रशासन द्वारा आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जानकारी के अनुसार आज सोमवार को पिपलिया कृषि उपज मंडी में अव्यवस्था को लेकर हमालों ने अपने अपने वाहन खड़े कर टोल काटे बंद कर दिया है। वहीं व्यापारियों द्वारा नीलामी बंद हो गई है। कई समय तक हमालों द्वारा प्रदर्शन किया गया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। मंडी में ये समस्या आती है कि हमारे थैले ले जाने की व्यवस्था नहीं हो रही है, और मंडी कमेटी को बहुत बार अवगत करा दिया है हमने। इसके अलावा हम गोदाम पे थैले ले जाने की जगह नहीं, और मंडी खुल होने के बाद भी किसानों को अंदर आने के लिए गेट खोल दिए, और क्या नाम किसानों को माल पे अगर थैला चढ़ता है या फिर कुछ भी होता है तो उसमें गाली गलौज हमको मिलती है, इसमें कोई मंडी जवाबदारी नहीं लेती उसमें। तो ये मंडी प्रशासन नहीं ले पा रही, उसको हम क्या करें? हम तो कांटा बंद करके हमारा माल नहीं तोड़ रहे, हम तो बस कांटे बंद। जब तक मंडी प्रशासन ये व्यवस्था पूरी तरह से सही सेट नहीं करेगी, अभी तक कोई जवाबदार यहाँ कोई आया नहीं है, ना कोई सेक्रेटरी आया, ना कोई मंडी कर्मचारी आया हमसे पूछने क्या समस्या क्या नहीं, इसलिए हमने कांटे बंद कर रखे हैं। और जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक कांटे बंद रहेंगे। मंडी में इस बात के लिए विवाद है कि हमारे ना तो थैले निकालने की जगह है और ना ही कोई व्यवस्था है यहाँ पे, और हमें हर चीज़ की परेशानी आ रही है। ना तो हम थैले निकाल सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे जो जितने वाहन है, हद से ज़्यादा वाहन अंदर घुसेड़ रखे हैं, तो हमें हमारा यही कहना है कि इतने वाहन अंदर क्यों घुसेड़ रहे हो? अगर जगह नहीं है मंडी के अंदर तो जितने जितनी जगह है उतने वाहन घुसेड़ो ना। बाकी हमें माल तोड़ने में इतनी परेशानी आ रही है कि हम गोदाम पे थैला ले जाए तो कैसे ले जाए? सेक्रेटरी यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है क्या? तो इतने वाहन कहाँ से आ रहे हैं अंदर? जब गेट बंद हो जाएंगे तो वाहन आएंगे नहीं अंदर। भ्रष्टाचार मान रहे हैं, ये जो गार्ड है सब पैसे लेके कालाबाजारी कर रहे हैं यहाँ पे, 100-200 रुपए लेके छोड़ रहे हैं साले। मंडी प्रशासन अभी तक इस पे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। जो मंडी कमेटी में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं इन लोगों के, सबके ऊपर कार्रवाई हो। भ्रष्टाचार मैं खुद मान रहा हूँ, इसके ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार अगर नहीं थमा तो सब किसान रोड पर आएंगे और चक्का जाम करेंगे। मंडी की अव्यवस्थाओं को लेकर अभी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ से किसी ने सूचना दी थी, तो उन्होंने हमें सूचना दी, तो हम तत्काल यहाँ मंडी में आए। यहाँ देखा हिमालों की मंडी की अवस्था को लेकर यहाँ पर आक्रोश था, संख्या से अधिक यहाँ पर रात में ट्रैक्टर जो थे वो अंदर ला दिए गए थे, उसको लेकर अव्यवस्था हो रही थी। अभी तो हमने तत्काल जितने भी ट्रैक्टर जो खाली रखे थे उन सबको बाहर निकलवाया, और आज से हमने स्ट्रिक्टली कहा है यहाँ पर गार्ड को कि जितने क्षमता है उतने ही ट्रैक्टर अंदर लिए जाएँ। दरअसल क्या है, होली के बाद 4 दिन में मंडी चली है, अब नई आवक लहसुन भी ज़्यादा है, गेहूँ भी बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, प्रांगण बहुत छोटा है, तो क्या व्यवस्था है? अब किसान भी बेचने के लिए तो रहेगा ना, 4 दिन बाद मंडी खुली है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत तो जाम की स्थिति बनी। रस्ते में जो किसानों ने ढेर कर दिया था, रस्ते खुलवा दिए हैं, ये अब लापरवाही नहीं। अब किसान तो आते हैं, उनको तो अब क्या सुविधा तो देनी पड़ती है ना कुछ। अभी अब मेन मतलब मनासा पिपलिया का जो मुख्य मार्ग है उसी पर मंडी स्थित है, रोड जाम की भी स्थिति रहती है, वो 4 दिन बाद मंडी खुली है, इस वजह से इसी व्यवस्था रही है। बाकी तो कुछ नहीं, धीरे धीरे वापस नॉर्मल हो जाएगा। करीबन 20 अब आधा घंटा के लगभग मंडी बंद रही है। ये दिया है कि अब नियमित मतलब मंडी प्रांगण में जितनी व्यवस्था होगी उतनी अराइवल अंदर लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे। पिपलिया मंडी से रवि पौरवाल की रिपोर्ट।